हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 79,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट है सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी दोस्तों आप सभी को सारी अपडेट प्रोवाइड की जाती है। बस आपको करना कुछ नहीं, गूगल में जाना है, ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी .com सर्च करना है और जो सबसे पहले नंबर पर आएगा उसको आपको पिक करना है, उस पर दोस्तों आप सभी को पल पल की अपडेट मिलती जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से दोस्तों अफवाह फैलाई जा रही थी कि कल कोर्ट नहीं बैठेगी और साथ में दोस्तों सोने पर सुहागा ये हुआ कि आपकी जो सुनवाई की लिस्ट है दोस्तों उसके अंदर आपका केस ही मेंशन नहीं था एडिशनल के अंदर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं छात्र इस बात के लिए परेशान थे कि क्या हमारा केस सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा क्योंकि हमारा केस एडिशनल से हटा है। तो पहली चीज तो ये दोस्तों, रात को मैंने आपको सारी की सारी बातें क्लियर कर दी थी कि आपका जो केस है वो एडिशनल से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि आपका मामला पहले से ही एडिशनल के अंदर है। लिस्ट आए ना आए, एक बार अगर आपके ऑर्डर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है वो ऑर्डर की दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वता होती है। तो उसी बात को लेकर कल रात को मैंने आप सभी को देर रात को सारी अपडेट प्रोवाइड दी थी और यह भी बताया था कि सुबह 200 एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी जिसके अंदर अगर आपका केस हुआ मेंशन होगा तो आपके केस की जो सुनवाई है नियत समय 2:15 से हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों सारी अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है, आपका केस मेंशन हो चुका है। कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई कोर्ट नंबर 1 में जयदीप माथुर अनिल तिवारी जी की बहस की सुनवाई के साथ शुरू होगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं आपका केस मेंशन हो गया है। फिलहाल दोस्तों कोर्ट रूम से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करूं तो लिस्ट जो अभी जो केस चल रहे हैं दोस्तों फैस केसेस चल रहे हैं जिसमें 38वें नंबर का केस ज्यादा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी सारी की सारी अपडेट प्रोवाइड की जा रही है। आज जो फैस केसेस की संख्या दोस्तों 42 फैस केसेस लगे हुए, उसके बाद डेली कॉजेस के अंदर 59 केसेस हैं। तो आपके केस का नंबर 2:15 से पहले आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है अभी कुछ ही देर बाद 10 से 5 मिनट में आप सभी का लंच भी हो जाएगा। तो बस उम्मीद है कि सारे के सारे फैस केस आज निबट जाएंगे। अभी 39वां केस शुरू हो गया, थोड़ी देर पहले 38 चल रहा था जब मैं आप सभी को वीडियो बनाते बनाते सारी अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहले ये आप यहाँ पे दोस्तों पासिस देख सकते हैं। पास दिखाने का मैटर क्या है, एंट्री पास दोस्तों जब बनता है तो तभी बनाया जाता है जब आपके केस की सुनवाई होती है। अगर आपके केस की सुनवाई नहीं होती है तो आपका जो एंट्री पास है वो नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले तो आप यहाँ डेट देख लीजिए, 1/10/2019 12:27 में दोस्तों पास बनने शुरू हो गए। इसका मतलब आपका जो केस है दोस्तों वो सुना जाएगा। अगर मैं साथ में दोस्तों इसकी याचिका नंबर आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ, स्पेशल अपील दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी 220/2019 जो कि दोस्तों लगी हुई है BTC की तरफ से। तो दोस्तों स्पेशल अपील 220/2019 का ये पास है जो आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी के केस की जो सुनवाई है वो 2:15 से ही नियत होगी। तमाम अफवाहों के बाद दोस्तों सारी की सारी अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि दोस्तों एडिशनल के अंदर कल केस नहीं आया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एडिशनल में केस नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपका केस नहीं आया है, आपका केस एडिशनल लिस्ट में ही है। लेकिन कई बार लिस्ट नहीं होता, उसको मेंशन करवाना पड़ता है क्योंकि ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था 1/10/2019 को 2:15 आपकी सुनवाई होगी तो होगी, क्योंकि दोस्तों जो ऑर्डर होता है उसकी महत्वता सबसे ज्यादा होती है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी के सामने सारी अपडेट प्रोवाइड कर दी गई है। अगली अपडेट दोस्तों आप सभी को वीडियो के माध्यम से सुनवाई शुरू होने पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के आप लोग वेबसाइट पर विजिट करते हैं, वहां पर दोस्तों आप सभी को पल पल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।